उधर कतर में हमारे 8 पूर्व नौसेना के अफसरों को फांसी की सजा सुना दी गई है। उस दौर में जब जिस दौर में भारत के प्रधानमंत्री को बड़े लीडर के तौर पर दुनिया में देखा जाता है, तो अभी दिखाए ना आपका बड़प्पन, बात करिए, वहाँ हमारे लोग हैं। वहाँ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई रास्ता निकले इसमें। मैं राजनीति नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि उनके जान खतरे में है, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि ये लोग हमारे लोग हमारे वतन पे वापस आए जिंदा, और हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूरा ताकत से मैं कह सकती हूँ कि ये तालमेल बातचीत करके इनको लाने की जिम्मेदारी हम पे है।